नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सभी सामने एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखी किस प्रकार से पढ़ा था, हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे और पाचन तंत्र में हम लोगों ने आमाशय को पढ़ दिया था। आमाशय के बाद में हम लोगों ने यकृत को पढ़ा था। यहाँ पर जो है ये है आमाशय, ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आमाशय को स्टमक बोलते हैं और आमाशय के पास में यहाँ पर, ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि इधर पाया जाता है कौन, यकृत, ठीक है, और जो यकृत था यकृत के अंदर यहाँ पर पाया जाता है पित्ताशय, ठीक है, यहाँ पर कौन था, पित्ताशय। और ये जो स्ट्रक्चर है पूरी ये किसकी है, यकृत, ठीक है। ऐसे ये आमाशय हो गया। ये जो हिस्सा है यू आकृति की जो शेप है इसको हम कहते हैं ग्रहणी, ठीक है, ये छोटी आंत का भाग है ग्रहणी, ठीक है, और इस ग्रहणी भाग से यहां पर जुड़ी होती है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। यहां पर कौन सी ग्रंथि जुड़ी होती है, अग्नाशय। आज का जो टॉपिक है हमारा वो अग्नाशय का ही रहेगा, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, इसी को हम बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि कई बार इसके इंग्लिश वर्जन नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि कहां स्थित होती है, ये क्लियर हो गया कि आमाशय के नीचे रहती है, जुड़ी किससे रहती है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग से जुड़ी होती है, ठीक है। अब ये अपना जो स्राव है, ठीक है, इस ग्रंथि का जो स्राव है वो यहां से आएगा अग्नाशय नलिका द्वारा, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या, अग्नाशय नलिका, अग्नाशय नलिका। तो अग्नाशय नलिका से इसका स्राव कौन से भाग में आ रहा है, ग्रहणी भाग में। ऐसे ही पित्ताशय से एक नली आती है यकृत नलिका, ठीक है, इसका स्राव भी कौन से भाग में आता है, ग्रहणी भाग में। तो भोजन का पाचन यहां पर हो रहा है ग्रहणी भाग में। पहले पित्ताशय से आया पितरस, पहले यहां से क्या आ गया, पितरस, ठीक है, पितरस भोजन में मिल चुका था, भोजन कैसा हो चुका, क्षारीय। अब भोजन के अंदर जो रस आएगा वो अग्नाशय से आएगा, ठीक है, अग्नाशिक रस। तो हम डिटेल पढ़ेंगे किसके बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्लैंड को। देखिए यह है जो है मिश्रित ग्रंथि है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा हमारे पास कि यह हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। अब ये जरूरी नहीं कि एकमात्र है क्योंकि अंडाशय वृषण भी मिश्रित ग्रंथि में आते हैं, ठीक है। अब मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, तो हमें यह ध्यान रखना है जो मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि वो कौन सी होती है, तो हम कहेंगे कि वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, ग्रंथि की तरह कार्य करती है, ठीक है। क्या कराएगी, मिश्रित ग्रंथि कराएगी। अब देखिए मिश्रित ग्रंथि जो हो गई इसमें दोनों भाग होंगे, एक भाग क्या होगा अंतःस्रावी का, तो एक भाग क्या होगा बाह्यस्रावी का। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अग्नाशय ग्रंथि है इसका कितना परसेंट भाग तो अंतःस्रावी होता है और कितना परसेंट भाग इसका बाह्यस्रावी होता है। अग्नाशय ग्रंथि के दो हिस्से होते हैं, जो इसका अंतःस्रावी भाग होता है, ठीक है, अंतःस्रावी भाग और दूसरा इसमें भाग कौन सा था, बाह्यस्रावी भाग। दो भागों में बटी हुई है ये। इसका जो अंतःस्रावी भाग होता है ये होता है 2% और इसका बाह्यस्रावी भाग जो होता है ये होता है 98%। क्वेश्चन नॉर्मल सा आया, DSSB के अंदर सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था
कि अग्नाशय ग्रंथि का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो बाहरी स्रावी के रूप में कार्य करता है। उसका 98% भाग जो होता है वो किसके रूप में कार्य करता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है, ठीक है। और 2% भाग किसके रूप में काम करता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब हम इसके दोनों भागों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं इसका अंतःस्रावी भाग, फिर हम पढ़ेंगे इसका बाह्य स्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग से हमेशा ध्यान रखना, यहां से हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? हार्मोन का। और यहां से किसका स्राव होता है? एंजाइम का। एंजाइम, तो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है। यहां से हम भाग की बात कर रहे हैं, कौन से की? अंतःस्रावी की। अंतःस्रावी जो भाग होता है इसका 2% भाग, इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? समूह, जिसको हम क्या कहते हैं? लैंगर हैंस द्वीप समूह। लैंगर हैंस द्वीप समूह, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लैंगर हैंस द्वीप समूह जो है वो कहां पर पाया जाता है या किसमें पाया जाता है? तो लैंगर हैंस समूह जो है वो अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि के कौन से भाग में पाया जाता है? तो अंतःस्रावी भाग में पाया जाता है, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है जिसको हम क्या कहेंगे? लैंगर हैंस द्वीप समूह, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, कौन कौन सा ये हार्मोन स्रावित करती है, उनको हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम ले रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि के अंदर लैंगर हैंस द्वीप समूह, ठीक है। लैंगर हैंस द्वीप समूह, इसको पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, क्या है ये, किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी कोशिकाएं इसमें हैं। देखिए हम यहां पर कहेंगे, इसकी परिभाषा बनाएंगे कि कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग में पाया जाता है क्या कहलाता है? लैंगर हैंस द्वीप समूह। तो हम यहां कह सकते हैं यह है कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, समूह होता है। इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की, ठीक है। पहले प्रकार की जो कोशिका है फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं अल्फा कोशिका। पहले वाले क्या बोलेंगे? अल्फा कोशिका, अल्फा सेल। ये जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, अल्फा कोशिकाओं की यदि मैं बात करूं तो अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो ये सर अल्फा कोशिकाओं से। दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर वो होती है बीटा कोशिका। और बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? बीटा कोशिकाओं से, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी होती है इनके अंदर डेल्टा कोशिका से आता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है। तो ये है सोमेटोस्टेटिन को हम सोमेटोनिन भी कहते हैं, ठीक है, सोमेटोनिन हार्मोन। कई जगह नाम चेंज होकर क्या आ जाए? सोमेटोनिन आ जाए, ठीक है, या सोमेटोस्टेटिन आ जाए। तो ध्यान रखना, ठीक है, ये कौन सा हार्मोन है? तो ये कहां से आएगा? ये आएगा कौन से? डेल्टा कोशिकाओं से। दो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला कौन सा? ग्लूकागोन हार्मोन, दूसरा कौन सा? इंसुलिन हार्मोन।
मेनली जो क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम में वो यहाँ से बनता है, या तो ग्लूकागोन से बनेगा या कहाँ से बनेगा, इंसुलिन हार्मोन से। तो हम इनके काम की बात कर लेते हैं कि क्या क्या, क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि से या लैंगरहंस द्वीप समूह से स्रावित होने वाले हार्मोनों के काम क्या क्या है उनको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो हार्मोन है वो है हमारे पास में कौन सा, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। तो ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये क्या करता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, यह हार्मोन यकृत में। अब देखना एक चीज का ध्यान रखना, ये श्रावित कहां से हुआ था, ये अग्नाशय ग्रंथि से। कार्य किसमें करता है, यकृत में। कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, यह है हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। ग्लाइकोजन को किसमें बदल देगा, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। देखिए हमारे पास क्या था, ग्लाइकोजन, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसने किया, ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई यकृत के अंदर, तो यकृत से जो ग्लूकोज था वो रक्त में मिलकर के पूरे शरीर में जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसने क्या किया, ठीक है, तो ग्लूकागोन हार्मोन ने क्या किया, तो हम यहां पर लिख सकते हैं यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता। ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण, ग्लूकागोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब बात करें आगे, भाई ये तो बात हो गई किसकी, ग्लूकागोन की, किसने क्या काम किया। दूसरा है हमारे पास में कौन सा, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, तो हम यहां कह सकते हैं कि यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम किसका है, इंसुलिन का। मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लाइकोजन था इसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करेगा, इंसुलिन। कौन कन्वर्ट करेगा इसको, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या हो गया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करना, कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हुई पूरी, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर होती है, यकृत में। ठीक है, पूरी प्रोसेस किसके अंदर होती है, यकृत के अंदर होती है। हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये कन्वर्ट करने का कार्य जो है वो यकृत के अंदर होता है। ठीक है, कन्वर्ट करने वाले हार्मोन कहां से आते हैं, तो अग्नाशय से आते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम करने की दायित्व किसके ऊपर है, इंसुलिन हार्मोन के ऊपर। ठीक है, अब इंसुलिन हार्मोन मान लो इसकी हो गई कमी, ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण व्यक्ति के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा ये बना रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी, और जब लगातार बढ़ती जाएगी तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, शुगर या डायबिटीज नामक रोग हो जाएगा। हम यह कह सकते हैं कि इंसुलिन की कमी के कारण व्यक्ति को
के कारण व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज या शुगर या मधुमेह, ठीक है, ये हो जाती है। और ध्यान रखना है इंसुलिन हार्मोन में जिंक जस्ता तत्व तो पाया जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन में कौन सा तत्व तो पाया जाता है, तो जिंक तत्व तो इसके अंदर पाया जाता है। कौन सा तत्व तो पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है जिंक तत्व, ठीक है। तो ये तो हमने दो हार्मोनों की बात की, पहला कौन सा था ग्लूकागोन हार्मोन, दूसरा कौन सा था इंसुलिन हार्मोन। इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा हार्मोन है, तीसरे हार्मोन का नाम है थर्ड हार्मोन, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन या इसी को कहते हैं हम सोमेटोनिन हार्मोन, सोमेटोनिन हार्मोन। देखो शब्द ध्यान रखना, शब्दों में शब्दावली में मैंने बताया था, लिखवाया हुआ है, ठीक है। सोमेटो का मतलब होता है क्या, सोमेटो का मतलब जो है वो होता है शरीर, स्टे का मतलब रोक जाना, तो शरीर की वृद्धि को रोकने का कार्य कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है, या सोमेटोनिन हार्मोन, दोनों एक ही है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में होने वाली स्वांगीकरण, स्वांगीकरण की क्रिया, ठीक है। स्वांगीकरण का मतलब भी हम लोगों ने शुरू में बताया था कि पचित भोजन जो है, अभी हम पाचन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो पचित भोजन कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लिया जाने की क्रिया क्या कहलाएगी, स्वांगीकरण कहलाएगी। पचित भोजन के उपयोग में लिए जाने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन कौन कौन से थे, तीन प्रकार के हार्मोन थे जो लैंगरहैंस द्वीप समूह से आते हैं, अग्नाशय ग्रंथि से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो बाह्य श्रावी भाग है, ये तो अंत श्रावी भाग था, बाह्य श्रावी भाग जो है इसका, जिससे अग्नाशय रस आते हैं, क्योंकि हम पाचन पढ़ रहे हैं, पाचन की क्रिया में हमारे अग्नाशय रस काम में आएंगे, एंजाइम्स काम में। तो कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे काम में आते हैं, पाचक रस जो है उसको हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, तो इसको पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला अग्नाशय रस, मतलब इसका दूसरा भाग जिसको हम बोल रहे थे सेकंड वाले पार्ट को, बाह्य श्रावी भाग, बाह्य श्रावी भाग। और बाह्य श्रावी भाग जो होता है वो हम लोगों ने बताया कि 98% होता है, और इस 98% भाग से जो भी रस आएगा उस रस को हम बोलेंगे अग्नाशयिक रस, ठीक है। और इस अग्नाशयिक रस को ही कहा जाता है पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस, अग्नाशयिक रस, ठीक है, या पूर्ण पाचक रस। इसके अंदर जो है मैंने कहा नलिकाएं पाई जाती हैं, और जो मेन नलिका होती है उसको अग्नाशयिक नलिका कहते हैं, जिससे ये रस जो है सीधा ग्रहणी वाले भाग में आता है, ठीक है। और जितने भी हार्मोन्स थे वो हम लोग जानते हैं रुधिर में स्रावित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो बाह्य श्रावी भाग होता है इससे अग्नाशयिक रस आया, इसको हमने नाम दिया पूर्ण पाचक रस, क्योंकि ये भोजन के सभी घटकों का पाचन करता है। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ठीक है, हम बात करेंगे एंजाइमों की। इसके अंदर पाए जाते हैं क्या, एंजाइम, पाचक रस में एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम इसमें होते हैं, तो पहला देखिए, पहला होता है अग्नाशयिक एमाइलेज, एमाइलेज। देखो हम लोगों ने देखा था पहले लार एमाइलेज या थाइलिन, वो लार से आया था, एमाइलेज फिर से आया, लेकिन अब की बार कहां से आया, अग्नाशय से, तो अग्नाशय एमाइलेज। एमाइलेज में एमाइलो शब्द से हम लोगों ने बताया था कार्बोहाइड्रेट, तो ये सिंपली किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है भाई। जो लार से पचना, लार से जो पाचन नहीं हुआ, ठीक है, पचने की क्रिया वहां पर नहीं हुई, उसको आगे पचाने का काम कौन करेगा, तो ये करेगा अग्नाशय एमाइलेज, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, वहां पर एक आया था लाइपेज एंजाइम, तो यहां पर आएगा कौन सा, अग्नाशयिक
अग्नाशय लाइपेज एंजाइम, लाइपेज। देखिए लाइपेज एंजाइम जो था वो पहले हम लोग पढ़ चुके थे इसको अमाशय के अंदर, ठीक है। अब की बार वहां पर गैस्ट्रिक लाइपेज था, अब की बार अग्नाशय लाइपेज आया, और ये किसका पाचन करता है? वसा का पाचन, वसा का पाचन, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आता है इसमें वो आता है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन। पेप्सिन अमाशय में पढ़ा था हम लोगों ने, अब आएगा कौन सा? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। और एक आता है इसमें काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन। दोनों एंजाइम ध्यान रखना, दोनों के दोनों एंजाइम, ये काइम के ऊपर काम करेगा इसलिए काइमोट्रिप्सिन। ये काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन जो होते हैं ये किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करेंगे। इसके अलावा यहां पर आता है, ठीक है, न्यूक्लिएज एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम। ये न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन, न्यूक्लिक अम्लों का क्या करेगा? ये पाचन करेगा। तो यहां इस प्रकार से जो भोजन के घटक होते हैं जिसको पचाना होता है उन सभी घटकों का यहाँ पाचन होता है, इसीलिए इस रस को हमने क्या नाम दिया? पूर्ण पाचक रस, ठीक है। तो पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? तो अग्नाशय रस को कहते हैं, जिसमें ये चार पांच प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। इनको अलग अलग लिखा जाता है बट दोनों का सेम ही कार्य है, प्रोटीन का क्या करना? पाचन करना, ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो स्राव है अग्नाशय रस का स्राव, ये छोटी आंत के कौन से भाग में जाएगा? ग्रहणी भाग में, ठीक है। कौन से भाग में? ग्रहणी भाग में, ठीक है। ये जो अग्नाशय रस आया इसका पीएच वैल्यू वही 7.7 से 9 होती है, सॉरी 7 से कितनी होती है 9। इसका मतलब अग्नाशय रस भी कैसा होता है? क्षारीय, ठीक है। हमने पढ़ा था पित्तरस, पित्तरस, ठीक है, पित्तरस का पीएच था 7.7 पीएच, तो वो भी कैसा था? क्षारीय, ठीक है, वो भी कैसा था? क्षारीय। और ये भी कैसा है? क्षारीय। ये दोनों ही क्षारीय हैं। ये जब ग्रहणी भाग में भोजन का क्या करेंगे? पाचन करेंगे। तो ग्रहणी भाग में भोजन का पाचन होने के बाद, ठीक है, पचित भोजन यहां पर कहलाता है काइल। क्या कहलाता है? काइल, ठीक है, क्या कहलाएगा? काइल, ठीक। और अमाशय के अंदर, अमाशय में हम लोगों ने पढ़ा था अमाशय के अंदर क्या कहलाया था? काइम। अमाशय क्या कहलाया? काइम। और मुख गुहा में क्या कहलाया था? मुख गुहा के अंदर भोजन पाचन के बाद कहलाया था बोलस, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है? बोलस। अमाशय में क्या कहलाता है? काइम। और यहाँ पे क्या कहलाता है? ग्रहणी भाग में क्या कहलाएगा? काइल। जब अग्नाशय रस इसका पाचन कर देगा भोजन का, तब कहलाएगा क्या? काइल। और काइल कैसा होगा? क्षारीय, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्षार मिले हैं इसलिए क्षारीय। और ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों होते हैं अम्लीय। कैसे होते हैं दोनों? अम्लीय होते हैं, ठीक है। अब हम अगले स्टेप के अंदर पढ़ने वाले हैं ग्रहणी भाग क्या है। ग्रहणी भाग जो है वो छोटी आंत का भाग है, तो हम कंप्लीटली पढ़ेंगे छोटी आंत को, बड़ी आंत को, ठीक है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया है एक एक करके, अब छोटी आंत वाले पार्ट को पढ़ेंगे, फिर बड़ी आंत वाले पार्ट को पढ़ेंगे, इसी के साथ हमारा पाचन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट किसी तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है।